भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज एक बुरा दिन है। टेस्ट कप्तानी से विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया है। विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए एक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और इस सोशल मीडिया अकाउंट पर किए गए पोस्ट के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देते हुए जहाँ एक तरफ उन्होंने BCCI का शुक्रिया अदा किया, वहीं विराट कोहली ने लिखा कि भारतीय टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए मैंने 7 सालों तक कठिन मेहनत और प्रयास किया। अपना काम मैंने पूरी ईमानदारी से किया और कभी नहीं छोड़ा, लेकिन एक मंच पर आकर हर किसी को रुकना पड़ता है। अब मेरे लिए भी बतौर टेस्ट कप्तान वो समय आ चुका है कि मैं इसे छोड़ दूं। मैंने अपनी जर्नी के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरे प्रयासों और आत्मविश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। मैं हमेशा ही अपना 120% देने में कामयाब रहा। जो कुछ करता हूँ ये लगता है कि मैं बहुत बेहतर कर लेता हूँ। और साथ ही साथ अंत में उन्होंने BCCI का शुक्रिया अदा किया। वेल, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ना एक बड़ी खबर है, और जाहिर है ऐसे में कई प्रशंसकों को बुरा लगा होगा। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में विराट कोहली के अलावा धोनी ही ऐसे टेस्ट के कप्तान रहे हैं जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 60 में से तकरीबन 27 टेस्ट जीते थे। लेकिन अगर विराट कोहली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सफल बल्लेबाज रहे, सबसे ज़्यादा सफल कप्तान रहे और एक स्टार प्लेयर की तरह हमेशा सुर्खियों में बने रहे। विराट कोहली की कप्तानी में इंडियन टीम ने 68 में से 40 टेस्ट मैच जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है, और धोनी के बाद पहले नंबर पर वो आते हैं। सबसे सफल कप्तान कोई टेस्ट क्रिकेट कर रहा है इंडिया में तो वो विराट कोहली हैं। लेकिन आज उन सभी फैंस के लिए जो टेस्ट क्रिकेट को हमेशा पसंद करते हैं, उनके लिए एक बुरा दिन है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज और एक स्टार प्लेयर विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है। पहले क्या है आपकी राय, क्या ये उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।